केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम का मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की जमीन तैयार करना है, पुराने और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना है, नए कार्यकर्ता बनाने हैं, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। और इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में भी आज से इस अभियान का आगाज हो गया है। आज पहले दिन सबसे पहले शहर दक्षिणी विधानसभा सीट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस सीट से विधायक यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं। इस वक्त हम उसे कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी खुद अपने हाथों से जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनको भोजन परोस रहे हैं। उनके साथ उनकी निवर्तमान मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी भी हैं। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी एक एक कार्यकर्ता के पास, जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं उनके पास खुद ही जा रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से भोजन परोस रहे हैं। हालांकि ज्यादातर कार्यकर्ता जो है वो टिफिन अपने साथ लेकर के आए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मंत्री नंदी की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, किसी को छोला दे रहे हैं, किसी को चावल दे रहे हैं, किसी को पूड़ी दे रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये गुलाब जामुन भी बने हुए हैं और ये मंत्री नंदी की तरफ से बनवाए गए हैं। तो मंत्री नंदी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव में ये भोज कितना काम आएगा? देखिए, हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनते देखने वाला हर व्यक्ति आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतेगी, कोई संदेह नहीं है। इस तरह से जनमानस का प्यार, इस तरह से जनमानस का उत्साह जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में किया है, ये 9 साल सुशासन को समर्पित रहे, गरीब कल्याण को समर्पित रहे। इस 9 साल में भारत की चमक, इसीलिए आप लोग कहते हैं कि जो 9 साल है वो बेमिसाल है। बिल्कुल, 9 साल बेमिसाल। इस जो भोज एक साथ हो रहा है, इससे लगता है कि सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी, आप देख ही रहे हैं। आप जनमानस से पूछिए, हम लोग तो चलो भाई पार्टी के नेता या पार्टी कार्यकर्ता है बोलेंगे, जनमानस क्या बोल रहा है वो महसूस करिए। पुराने लोग हैं वो निकल के आ रहे हैं, हम देख रहे हैं तमाम बुजुर्ग लोग, पुराने लोग भी आ रहे हैं। बिल्कुल, नए पुराने सभी लोग मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नए और पुराने लोगों का संगम हो रहा है। ऐसे पुराने लोग जो कि किन्हीं वजहों से घर बैठ गए थे, बहुत एक्टिव नहीं थे, उनको बाहर निकाला गया है। इसके साथ साथ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि नए और पुराने कार्यकर्ताओं का समागम यहाँ पर हो रहा है। तस्वीर एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर लोगों का भारी हुजूम इकट्ठा है। टारगेट किया गया था कि 500 लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होंगे, लेकिन 500 से ज़्यादा की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। लोग अपने साथ टिफिन लेकर के आए हुए हैं, और देखिए हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। बताइए, आप लोग टिफिन अपने साथ लेकर के आए हो, किस तरीके की चर्चा हो रही है? केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो उपलब्धि है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की, उसको हम सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन ला करके और जो उपलब्धि है उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, और चर्चा करके सबसे एक दूसरे से निवेदन कर रहे हैं कि इस चर्चा को नीचे आम जनता तक पहुँचाया जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी है, सुश्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, चाहे वो रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से लेकर के आर्थिक विकास के क्षेत्र में जो काम किया है, उज्ज्वला योजना से लेकर के कोरोना में जो है वैक्सीन अपने यहाँ स्वनिर्मित देसी वैक्सीन बनाने को लेकर के जो काम 2024 में ये काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता 1,000 आदमी के बराबर यहाँ हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। जब पूरे क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के बताएंगे तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें जो केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां हैं उन 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। और आप देखिए कि यहाँ पर महिलाओं का भी बड़ा हुजूम यहाँ पर इकट्ठा है, तमाम पुराने लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। बताइए, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है ये कितनी कारगर साबित होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024? बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, और हम यही चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार दोबारा आए और आगे भी ऐसे ही देश के लिए आगे बढ़ता जाए, देश में बढ़ जाए। लगता है इस तरीके से सम्मान किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब देश का
देश सबके साथ आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज में आज से इस कार्यक्रम का आगाज हो गया है और आज पहले दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जल्द ही दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि टिफिन पर चर्चा के बहाने जो पुराने लोग हैं वो फिर से एक्टिव होंगे, नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी जमीन तैयार होगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोहिन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।